दोस्तों आप लोगों ने कंप्यूटर में कहीं ना कहीं रैम और रोम के बारे में सुना होगा। अगर आप लोगों को रैम और रोम के बारे में जानकारी है तो अच्छी बात है, ये वीडियो उनके लिए है जिनको रैम और रोम के बारे में जानकारी नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रैम और रोम के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है, उनके बीच महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या है। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेटेड नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो बेल का आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रैम एंड रोम क्या होती है? एक मेमोरी होती है, मेमोरी तो होती है लेकिन किस प्रकार की मेमोरी होती है? एक मेन मेमोरी होती है जिसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। रैम रोम क्या है? एक मेमोरी है, ठीक है। किस प्रकार की मेमोरी है? मेन मेमोरी जिसको हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मदरबोर्ड के अंदर स्लॉट बनी रहती है उस पर फिट किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसे इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। और जो मदरबोर्ड के बाहर रहता है, जो भी मेमोरी मदरबोर्ड के बाहर रहती है उसे एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी, पीडी, ये क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी है। और रैम रोम क्या है? एक इंटरनल मेमोरी होती है, ठीक है। आप लोगों को कितना समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बीच बेसिक डिफरेंस क्या है, इसके बीच मेन फैक्ट्स क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम एक साइड रैम लिखते हैं, सेकंड साइड रोम। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है उसके बारे में। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम वही रोम के बारे में बात करें तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, ठीक है, रैम को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। रैम में जो डाटा रहती है उसको हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। बट जो रोम में डाटा होती है उसे केवल रीड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है जबकि रोम क्या है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। यह सिलिकॉन की चिप होती है। रैम क्या होती है? एक सिलिकॉन की चिप होती है। बट रोम क्या होती है? रोम छोटे छोटे सर्किट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। यह मुख्य रूप से दो टाइप के होते हैं, एस रैम, डी रैम, और ये मुख्य रूप से तीन टाइप के होते हैं, प्रोम, ईप्रोम, डबल ईप्रोम, ठीक है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए दोस्तों इन महत्वपूर्ण फैक्ट का एक्सप्लेन करके एक एक को समझते हैं। सबसे पहले रैम रोम किसके अंतर्गत आता है? मेमोरी के अंतर्गत आता है। और किस मेमोरी के अंतर्गत आता है? मेन मेमोरी के अंतर्गत आता है जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और इसे इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। इंटरनल मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मदरबोर्ड के अंदर फिट किए जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर रैम और रोम के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। जिसे रैम को हम रीड भी कर सकते हैं और साथ ही साथ राइट भी कर सकते हैं, अर्थात रैम में जो भी डाटा रहती है उसको हम रीड भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उसे राइट भी कर सकते हैं, अर्थात इसे पढ़ा भी जाता है। रैम में उपस्थित डाटा को पढ़ भी सकते हैं और साथ ही साथ लिख भी सकते हैं, ठीक है। और जो रोम में उपस्थित डाटा है, जो भी डाटा रोम में है उसको हम केवल पढ़ सकते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है रीड ओनली मेमोरी, अर्थात ऐसे मेमोरी जिसको हम केवल रीड कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा तो चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो वोलेटाइल मेमोरी है इसका तात्पर्य होता है अस्थाई मेमोरी, और जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है इसका तात्पर्य होता है स्थाई मेमोरी, ठीक है।
तो वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? रैम को वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि रैम में जो भी डाटा रहता है वो अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। अगर सडनली लाइट ऑफ हो जाती है उस कंडीशन में रैम में उपस्थित डाटा क्या हो जाती है? स्वतः ही या ऑटोमेटिक नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अस्थायी मेमोरी। और यहाँ पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी से तात्पर्य है कि रैम में जो भी डाटा रहता है वो परमानेंट स्टोर रहता है। अगर लाइट ऑफ भी हो जाती है, सडनली लाइट ऑफ भी हो जाती है, उस कंडीशन में रोम में उपस्थित डाटा नष्ट नहीं होती, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो इसे स्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ सिलिकॉन की चिप होती है, जो रैम होती है वो सिलिकॉन की चिप होती है। ठीक है, एक प्रकार की चिप होती है जो सिलिकॉन की बनी होती है, और इसे मदरबोर्ड के अंदर इसका स्लॉट बना रहता है, उसमें लगाया जाता है। रैम के साइज को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। ठीक है, और जो रोम होती है ये कोई चिप नहीं होती, यहाँ छोटे छोटे सर्किट से मिलकर बनी होती है। अगर आप लोग रोम को ढूंढने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगी ये, बल्कि इनबिल्ट छोटे छोटे सर्किट से मिलकर मदरबोर्ड के अंदर बना होता है। ठीक है, इसके टाइप्स की बात करें तो रैम मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं। पहले था एस रैम, जिसको हम स्टैटिक रैम भी कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सेकंड है डी रैम, जिसका पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर हम रोम की बात करें, रोम के टाइप्स की बात करें, तो ये मुख्य रूप से तीन टाइप्स के होते हैं, प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम। ठीक है, प्रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ई प्रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ई प्रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार।